एजुकेशन सेक्टर की जो आज 1 नवंबर 2019 को जो न्यूज़ आई, डिफरेंट वेब साइट्स पे अपीयर हुई हैं, उसमें ये डीडी न्यूज़ ने खबर पब्लिश की है कि सिंध यंग डॉक्टर्स गिव सेंटर अ वीक टू रिवाइज पीएमसी आर्डिनेंस। तो एक हफ्ते के अंदर वो उसको रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद एफआईए प्रूव्स क्रेडेंशियल्स ऑफ ड्रैब्स फार्मर हेड। ये जो ट्राइब के फार्मर हेड थे, इनकी जो पीएचडी डिग्री है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका की है, ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वहां से थी। तो एचसीसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं कहा। और ये जरूर आप करेंगे, जो भी एडमिशन आप ले रहे हैं तो जरूर ये चेक कर लेंगे वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वरना फिर वो आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। डॉन ने ये खबर पब्लिश की है कि 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रॉस्पेरिटी थ्रू रिसर्च एंड्स, ये शहीद बेनजीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी और सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के तावन से ये 3 दिन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। उसके बाद ये हायर एजुकेशन कमीशन और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, उन्होंने कोलेब्रेशन पे एग्रीमेंट किया और डॉक्यूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो चेयरमैन और मेरे लड्डू, जो कमीशन की जो हेड है मुमताज साहबा, उनके दरमियान हुआ। उसके बाद ये हुवावे टेक्नोलॉजीज जो एचईसी के साथ कोलेबरेट कर रही है, उन्होंने ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स ऑर्गेनाइज की एचईसी में, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पार्टिसिपेंट्स शामिल थे और उनको बेसिकली आगे फर्दर ट्रेनिंग देनी है, वो तो उसके लिए उनको तैयार किया गया। ये हुवावे किताब उनसे हो रही थी।